अभी रात के बज रहे हैं एक, और एक्चुअली में अभी हमें ग्रेवयार्ड में, जो कि मैक्लोडगंज का ग्रेवयार्ड है, कवरेज इन्हें कहते हैं, जा रहा कोई अंदर है? मैं तो जाऊंगा। कैलिश भाई जाओ यार, सच में जा रहे हो? कैलिश मत जा भाई, मत जाओ, मैं बोल रहा हूँ भाई, इन्होंने दरवाजा लॉक कर दिया और हम यहाँ पे उतार दिए। मैं जाऊंगा नहीं कहीं भी। वो भूत वाले गाने लगा दिए इन्होंने। खोल दो यार दरवाजा। क्या बोलो? शीशा खोलो, शीशा खोलो, फास्ट एंड फ्यूरियस शाम के, क्योंकि एक्चुअली में आपने देखा ये सीन, रात को मेरे फ्रेंड्स वगैरह आए थे एंड देन हम निकले थे मैक्लोडगंज की साइड को, और वो भी रात के 2 बजे। सो वहाँ पे मैक्लोडगंज में एक्चुअली में जो चर्च है अपना मैक्लोडगंज का, तो वहाँ पे जाके एक ग्रेवयार्ड है, सो ग्रेवयार्ड में जाने की सबको हॉन्टेडनेस फील करना था, तो सारे के सारे वहाँ पे ग्रेवयार्ड वगैरह में चल गया, आपने देखा ही होगा वीडियो वगैरह में। एंड इस टाइम मैं उठा हूँ, मतलब फ्रेश अप वगैरह होके अपने फ्रेंड के साथ जा रहा हूँ, तो बाकी बातें मैं अपने मोटर ब्लॉगिंग सेटअप पे करता हूँ। सो अभी जस्ट बाइक निकाल ही रहा था मैं, बट इसका जो चेन सेट है वो सारा जा चुका है, ये पूरा हिलने लग पड़ता है जब चेन सेट खराब हो जाता है। एक्चुअल में इसके जो दांत होते हैं वो सारे घिस जाते हैं। सो अभी मैंने इसमें एक्स्ट्रा में ऑयल रखा हुआ था, वो मारा भी इसमें। सो अभी चल रही है बाइक एकदम स्मूथ एंड मजा आ रहा है अभी इसको चलाने का। सामने जा रहा है मेरा प्यार, और ये है Isuzu D-Max V-Cross, माउंटेन गोट्स में जाके आया भाई यार, एक्सपेडिशन स्टिकर्स लगे हुए हैं और मेरे को बहुत पसंद है, और इवन मेरे पापा को भी बहुत पसंद है ये इसने स्टॉक रखी हुई है पूरी। स्टॉक इतनी अच्छी नहीं लगती है ये, बट इसमें अगर थोड़ी बहुत एक्सेसरीज वगैरह लग जाए बहुत प्यारी लगेगी। फिर ये इज ट्राइंग टू रेस, एनीवेज मेरे को शोरे का फोन आया था अभी शाम को, सो वो बोल रहा था कि ऊपर साइड बैठते हैं पहाड़ों पे, सो अभी वो मेरे को यहीं पे मिलेगा खन्यारा में ही, और ये एरिया मेरे को बहुत प्यारा लगता है, व्यू वगैरह कितना अल्टीमेट है, यहाँ से सारा दौलतदार वैली दिखता है अपना यहाँ से, और नीचे नदी है जो कि क्रिस्टल क्लियर पानी की है, और क्या ही चाहिए होता है लाइफ से। यो ब्रो व्हाट्स अप, भैया थोड़े से लेट हो गए, अभी पहुंचो मैं अभी जस्ट नहीं यार नाका लगा ऊपर भाई, जो सामने थार है ना इसने पूरे शीशे काले करवा के रखे हैं। शोरे भाई 60,000 दे देंगे पर स्वैग पूरा रखेंगे। अभी मैं चलाने वाला हूँ शोरे भाई की बाइक, एक्चुअली मैंने शोरे भाई को मोड़ के दे दिया अपनी बाइक, ये ड्यूक वालों से नहीं मोड़ती, इस ड्यूक के साथ मेरा अलग ही प्यार है यार, प्यार आता है ना इसको चलाने में मेरे को तो दिल करता है मैं एक ऑन ही कर लूँ ऐसे से एक। एक्चुअल में अभी शोरूम में मिलेगी नहीं है, 200cc मिलेगी या फिर 125, आजकल तो नए अपग्रेडेड मॉडल्स आ रहे हैं, बट ये वाली जो चीज़ थी ना, ये भाई ओल्ड इज गोल्ड जिसे कहते हैं ना, वो चीज़ है ये। बिल्ली मार के देखते हैं। ओ भाई गलत व्हीली बज रही है यार इसमें। क्या सेक्सी स्मूथ जा रही है उठ के यार, एक बार फिर ट्राई करता हूँ मैं। शोरे भाई एक और बार ट्राई कर लूँ पक्का? शोरे भाई देख रहे हैं बहुत ही, अरे यार सेक्सी, अरे यार गलत ही जा रही है। एक्चुअल में मेरी आरसी में आगे वेट है ना, इसमें वेट नहीं है तो एकदम से फ्लिप मार के उठ जा रही है ये, तो मेरे को ये डर भी लग रहा है कि वैसे ही ना उठ जाए हमेशा के लिए। सो यहाँ पे लगाते हैं बाइक्स को एंड देन नीचे वो निकलते हैं। भाई बहुत सेक्सी व्हील उठ रही है यार इससे, पहली वाली बहुत लंबी उठ गई है, बहुत ज़्यादा। सो भाई यहाँ पे जाना था हमने नीचे को, एंड क्राउड देखो यार, बैठने तक की जगह नहीं होती, ऊपर भी फैमिलीज हैं, ऊपर भी फैमिलीज हैं, यहाँ पे फैमिली हैं भाई, ये होते हैं लेजेंडरी बंदे जूते पहन के पानी में। सो भाई आ गए हम नीचे नदी से भी, एंड अब आगे का सीन देखते हैं। एक्चुअल में यहाँ पे सनसेट वगैरह हो रहा है इस टाइम, एंड टाइम हो रखा है 5:28, सनसेट बहुत प्यारा लगेगा ऊपर से। सो एक्चुअल में हम अभी इंद्रनाग साइड जा रहे हैं, अभी मैं ड्यूक चला रहा हूँ क्योंकि मेरा ड्यूक में बहुत अच्छा मन आ गया है, एंड शोरे भाई को आरसी बहुत पसंद आ रही है मेरी, तो हमने बोला इससे बेस्ट क्या है, लेट्स स्विच द बाइक्स, बस निकलते हैं अब सीधे ऊपर की साइड को एंड सनसेट वगैरह एंजॉय करके फिर नीचे उतरते हैं। ऐसे एक कंपनी की बाइक्स हो तो बहुत अच्छा लगता है यार, ये जो बाइक है ना ड्यूक, ये इतना कंफर्टेबल बाइक है यार, इतना मजा आता है इसको चलाने में, सच में बहुत ज़्यादा मजा आता है इस बाइक को चलाने में यार, इवन लॉन्ग राइड वगैरह पे तो इस पर कितना मजा आएगा यार। यार लद्दाख वगैरह जाओगे इसमें तो ही, शोरे भाई मेरे को बोल रहे थे लद्दाख चलते हैं, मैं बोल रहा भाई मेरे पास आरसी मेरी तो फटने वाली है उस ट्रिप में, बट फिर भी हम अराइवल्स हैं एंड हम ये पक्का करेंगे लद्दाख वाला ट्रिप, वो भी आरसी पे करेंगे अपने। ये बाइक से मेरे को प्यार हो गया यार, मेरे को मन कर रहा है मैं भी खरीद लूँ एक। ये जो बाइक्स होती हैं KTM की, इनमें ज़्यादा हाथ नहीं लगता है, मतलब जैसे आप चलाने स्टार्ट करोगे ना विद इन 10 मिनट्स के अंदर अंदर आपको एकदम से कंट्रोल करना आ जाएगी ये बाइक, इतनी अच्छी कंट्रोलिंग पावर होती है इन बाइक्स में। और
देखा ऐसे कंट्रोल की बात कर रहा था। हाई स्पीड्स में भी बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हो आप इस बाइक को, मतलब 130 पे आराम से कंट्रोल हो जाती है अगर एकदम से कोई सामने आ जाता है तो। अगर आप गियर कंट्रोलिंग वगैरह यूज करते हो तो 130-140 पे इजिली कंट्रोल हो जाती है ये बाइक। ये बाइक्स ये कि आपने इंद्रनाग को रास्ता ऊपर को क्या मस्त जा रही है बाइक यार। यहाँ से शोर है भाई को पक्का मजा आ रहा होगा आरसी में, पर मेरे को नहीं आता इन रोड्स में मज़ा क्योंकि ये छोटे छोटे रोड्स हैं एंड उस बाइक का भार बहुत है। सो मेरे को यहाँ पे मोड़ने में उसको बहुत प्रॉब्लम होती है आरसी को, पूरा बॉडी वेट मेरे हाथ पे आ जाता है। क्या सेक्सी लग रही है यार मेरी आरसी, जो उसका रिम कवर है और जो इसके स्पॉयलर्स हैं क्या सेक्सी लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कोई डुगाटी जा रही है, जस्ट लुक एट इट। शोर है भाई से मोड़ने रही है, मोड़ने में प्रॉब्लम हो रही है इसलिए मैं आरसी को प्रेफर नहीं करता लिंक रोड्स में चलाने के लिए। हाईवे वगैरह जो होते हैं जो खुले रोड होते हैं वहाँ पे लीन वगैरह करने में इसको बहुत मज़ा आता है, वहाँ पे फुल ऑन लेटती है पर हमारे हाथों में जोर नहीं आता है। बट इन रोड्स में हमें हाथों पे जोर पड़ जाता है इस बाइक को संभालने में, सो बहुत प्रॉब्लम होती है फिर। ये छुटकू सी है यार बाइक, इसमें इंजन इतना पावरफुल दिया हुआ है, टॉय बाइक है यार ये, बट यही मज़ा है इस बाइक का, इसलिए इस बाइक का नाम ड्यूक था, इस चीज़ के लिए बनी थी ये। हाई पावर स्मॉल बाइक फुल ऑन फ्री फील करने के लिए थी ये बाइक, जो कि अभी मैं सब करती हुई है वो भी अच्छी बाइक, ऐसी बात नहीं अपनी जगह वो अच्छी है, अपनी जगह ये अच्छी है। वाव जब दोनों बाइक्स की साउंड आ रही है ना एकदम भाई साहब, ये आ गया छोटा सा ऑफ रोड का पैच एंड नीचे साइड तो देखो क्या मस्त है। और आरसी से सारे धूल उड़ के मेरे पे आ रही है, मेरी वाइट टी शर्ट हो चुकी होगी ब्राउन इस टाइम, पैच आया थोड़ा सैडलिंग करते हैं भाई इस बाइक में। वाव वाह देखो नीचे का व्यू क्या अल्टीमेट दिख रहा है। छोरे भाई को बोलना पड़ेगा यार बाइक्स एक्सचेंज कर लेते हैं, आप आरसी रख लो मेरी, मैं आपकी ड्यूक रख लेता हूँ। सुन रहे हो शोरे भाई, कमेंट करना ज़रूर। रख लेंगे आपकी ड्यूक। देखो यार कितनी सेक्सी लग रही है, ये मिल जाए ना चलाने को मज़ा ही आ जाए। ऐसे सीधे उड़ाते ले जाऊँ मैं सीधे नीचे। ओ माय गॉड क्या बात है, क्या बात है शोरे भाई। यहाँ पे भी व्यू है, यहाँ पे भी व्यू है, यहाँ तो फिर खतरनाक व्यू है। तो यार अभी ऊपर से आए हम नीचे को उतर के एंड ये है भाई व्यू पॉइंट, यहाँ पे बैठेंगे हम, बेंच लगे हुए हैं फुल पावर, ऐसे लग रहा है आई एम किंग ऑफ धर्मशाला। सो यार पहले मैं गोप्रो के साथ कैप्चर कर रहा था, अभी ये फ़ोन के साथ कर रहा हूँ। क्लियरिटी देखो इस टाइम ना कितना सेक्सी लग रहा है सारा, ये पूरा धर्मशाला वैली का व्यू है, घर ही घर है सारी जगह, ऐसे लग रहा है मिनी शिमला में बैठे हम। क्या बोलते शोरे भाई है ना, बहुत घर बन गया पहले थे ही नहीं यहाँ पर। वैसे शोरे भाई देखा जाए तो रेड और ग्रीन कलर की छतें हैं सारी, उसी का दिया होता है नॉर्म्स है, उसके अलावा नहीं तुम करवा सकते क्यों बना होता है। निकलते हैं यार एंड सनसेट भी पूरा हो रखा है यहाँ पे, यहाँ से पैराग्लाइडिंग भी होती है। हाँ यार ये असली तरीका बाइक मोड़ने का। और यार इस टाइम ठंड लग रही है मेरे को, एक्चुअली हम पैर डाल के नदी में बैठे हुए थे एंड देन ऊपर साइड आ गए हैं शाम के टाइम और ठंड काफ़ी हो रखी है इधर, ठंड लग रही है हल्की हल्की मेरे को, मतलब जैकेट डालने टाइप्स वैसी वाली। ठीक है बॉस, नहीं नहीं कल मिलते हैं, ओके। राइड करने का फुल पावर मज़ा आ रहा है यार इस टाइम ना, और ऐसा कुछ व्यू हो ऊपर, ऐसा रास्ता हो, ये देखो भाई ये लोग मराते हैं, जीप वाले का क्या सीन है ये। फिलहाल तो इसको भगाने में मज़ा आ रहा है मेरे को, ये बात ओह माय गॉड। और व्यू देखो यार कितना प्यारा है इस टाइम। सो बस इतना ही था आज के ब्लॉग में, आई होप ये 9-10 मिनट की वीडियो बन गई होगी। सो एनीवेज यहीं पे मैं ब्लॉग एंड कर रहा हूँ, आई होप यू लाइक दिस ब्लॉग, सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस, आई विल कीप गाइस पोस्टेड।